अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास अमेरिकन लैब्राडोर डॉग है, गोल्डन कलर में। दोस्तों उसको स्किन इन्फेक्शन हो गया, स्किन प्रॉब्लम हो गई है, जिस वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ट्रीटमेंट तो उसका चल रहा है मगर अभी ठीक तरह से आराम नहीं आया। तो दोस्तों उसको मेडिसिन मैं दे रहा हूँ, कल से एलर्जी की मेडिसिन ले कर आया हूँ, उसे मेडिसिन दे रहा हूँ। और आज उसे पाइडिन स्क्रब्स के साथ नहलाते हैं, उसके नहलाते के भी आपको वीडियो दिखाएंगे और उसके बाद मेडिसिन भी आपको दिखाएंगे जो मैं दे रहा हूँ, और अपना डॉग भी दिखाएंगे, अमेरिकन लैब्राडोर जिसका नाम है पप्पी। बहुत ही ब्यूटीफुल डॉग है, बहुत ही अच्छी ब्रीड है। अगर आप लोगों को ये ब्रीड चाहिए हो तो मेरे साथ रब्ता भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरह की ब्रीड अवेलेबल है। और अपना व्हाट्सअप नंबर मैं स्क्रीन पर दे दूंगा ताकि आप मेरे साथ रब्ता भी कर सकें। दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। और आप मुझे सपोर्ट करें, आपको शौक़ ज़्यादा से ज़्यादा करवाऊँगा, और जानवर ले के आऊँगा और बर्ड्स वगैरह असील का शौक़ करवाऊँगा। बस मेरे चैनल को दोस्तों सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की, आपके ताउन की ज़रूरत है, आपके ताउन के साथ ही सब कुछ होगा। दोस्तों ये मेरा डॉग है, अमेरिकन लैब्राडोर पप्पी। दोस्तों मेरे पप्पी का शौक करें, जानवर कैसा है दोस्तों चेक करें। मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत अच्छी ब्रीड है, बड़े लाडों से रखा प्यार से। चेक करें दोस्तों इसके इन्फेक्शन में आपको चेक करवाता हूँ। दोस्तों ये चेक करें, इधर से थोड़ा सा इन्फेक्शन, और भी काफ़ी जगह पे इन्फेक्शन सा हुआ है। दोस्तों बाल भी बहुत ज़्यादा गिरा रहा है और इन्फेक्शन भी इसे काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इस साइड से भी आपको चेक करवा, ये देखें इधर भी इन्फेक्शन हुआ है, इधर ट्यूब लगाई थी मैंने थोड़ी इन्फेक्शन वाली, ये देखें दोस्तों परेशान नहीं हो रही है। ये देखें इंजेक्शन दोस्तों ये लगवाता बहुत मुश्किल से है, नहीं तो ऐसे मैं कब कहीं जाकर इंजेक्शन लगवा दूँ। इसलिए पहले मैं मेडिसिन दे रहा हूँ ताकि इसी से ये ठीक हो जाए, तो फिर इंजेक्शन ना ही लगवाना पड़े। अदरवाइज अगर मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर तो इंजेक्शन से लगवाना ही पड़ेगा, जैसे कैसे भी गया, क्योंकि दोस्तों ये एग्रेसिव है, ऐसे घर में रह रहा है कि बंदा हो रहा है। बचपन से ही घर में खोलते थे, बाहर कम ही लेके गए हैं, जिस वजह से अग्रेसिव हो गया। ये देखिए अब अपने खुदे के अंदर चला गया, अपने केज के अंदर चला गया। पी तो सब ख़ारिश भी बहुत करता है, इससे ख़ारिश भी बहुत होती है एलर्जी की वजह से, ख़ारिश करते हैं इसके बाल भी उतरते हैं, और जैसे जैसे ख़ारिश करते हैं इसकी स्किन और रेड रेड नज़र आती है। बहुत परेशानी है दोस्तों, कोई अच्छा सा देसी नुस्खा बताएं, मशवरा दें ताकि इस पर अप्लाई करूँ और इसकी एलर्जी वगैरह ठीक हो जाए, ख़त्म हो जाए, और पप्पी मरा ठीक हो जाए। दोस्तों ये पायोडिन स्क्रब है, ये जरासीम वगैरह ख़त्म करने के लिए होती है। ये शैम्पू ही होता है एक किस्म का, ये डॉग के जिस्म पर लगा कर पानी के साथ नहलाओ तो जाग बन जाती है, और ये जरासीम वगैरह ख़त्म करती है। इसकी प्राइस 111 रुपये है। और आज इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं, पप्पी पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं किसके साथ पप्पी को क्या फ़र्क पड़ता है। Thank you.
दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने पपी को नहला लिया, खुद भी नहला लिया और फ्रेश हो गया हूँ। और अब पपी को दोस्तों मेडिसिन देनी है। डाइट उसे मैंने थोड़ी बहुत दे दी हल्की फुल्की, अब उसे मैंने मेडिसिन देनी है। दोस्तों ये मेडिसिन लेके आए मेडिकल स्टोर से, एलर्जी की मेडिसिन है। दुआ कीजिएगा इससे आराम आ जाए, अगर इससे फ़र्क ना पड़ा तो फिर अपने पपी को इंजेक्शन लगवाएंगे जी। तो चलो फिर पपी को मेडिसिन देते हैं। दोस्तों ये मेडिसिन है नियोसाइडिल, तो ये देते हैं, पीस कर पानी में डाल के देनी पड़ेगी, सुई में भर कर। तो देते हैं जी पपी को फिर ये। दोस्तों गोली इसमें मैंने पीस कर डाल ली और पानी डाला थोड़ा सा, इसे अच्छी तरह हिला लेते हैं। अच्छी तरह हिलाने के बाद फिर पपी को ये पिला देते हैं। दोस्तों ये पपी है और ये इसकी मेडिसिन है, अब इसे मेडिसिन खिलाते हैं, हल्के पिलाते हैं और खुदा करे कि इससे ही से फ़र्क पड़ जाए, ताकि इंजेक्शन की बचत ही हो जाए। चलो पिलाते हैं इसे फिर इसकी दवाई। पपी गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। गुड बॉय। दोस्तों पपी को मेडिसिन तो मैंने पिला दिया, टेस्ट इसका टेस्ट पसंद नहीं आया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए सलमान खोकर को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।